नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Pro वर्सेस Vivo Y73 2021 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 6.48 इंच जबकि Vivo Y73 में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 इंच जबकि Vivo Y73 में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro में 0.32 इंच जबकि Vivo Y73 में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 Pro में 192 ग्राम्स जबकि Vivo Y73 में 170 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Super AMOLED जबकि Vivo Y73 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 6.67 इंचेस जबकि Vivo Y73 में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 Pro में 85.8% जबकि Vivo Y73 में 83.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y73 में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y73 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y73 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo Y73 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Adreno 618 जबकि Vivo Y73 में Mali-G 76MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Qualcomm Snapdragon 732G और Vivo Y73 में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10 Pro में 6GB जबकि Vivo Y73 में 8GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 10 Pro में 64GB जबकि Vivo Y73 में 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में अप टू 512GB जबकि Vivo Y73 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 Pro में 5020mAh जबकि Vivo Y73 में 4000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 कलर्स जबकि Vivo Y73 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 Pro की
17,857 रुपीज जबकि Vivo Y73 की 20,990 रुपीज प्राइस है, जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10 Pro में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y73 2021 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 Pro आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 Pro आगे है, इंटरनल मेमोरी में Vivo Y73 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है, जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme 7 Pro है, जो कि 17,599 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 है, जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 Pro है, जो कि 17,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।